मैंने ये कढ़ाई लिया है, यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ, 2 चम्मच घी है। मैंने यहाँ दूध लिया है रूम टेम्परेचर। दूध हमें जितना लगेगा हम उतना डालेंगे। मैंने अभी आधा डाला है, मैंने भी आधा डाला है और आधा ये बचा है, अभी बाद में डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ गई तब। यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ, मैं यहाँ पे सारा डाल देती हूँ एक साथ। मैंने ये 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। से मिला लेंगे। गैस पे नहीं चढ़ाया कढ़ाई को, हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे। मैंने गैस फ्लेम पे चढ़ाकर नहीं मिक्स कर रही हूँ, हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे, फिर बाद में हम चढ़ाएंगे गैस फ्लेम पे, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। इसमें हम दूध और डालेंगे। मैंने यहाँ अच्छे से दूध मिल्क को मिक्स कर लिया है, अब हम गैस फ्लेम पे चढ़ाते हैं। मैंने ये गैस फ्लेम पे चढ़ा दिया है, अब इसे हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। मैं यहाँ पे नींबू का रस दे रही हूँ, आधी चम्मच से कम है, बिल्कुल दानेदार हो जाएगी ये। इसे हम चलाएंगे। ये बहुत अच्छे से दानेदार बनने लगे, थोड़ी सी और इसे भूनेंगे लो फ्लेम पे। यहाँ भून लिया है अच्छे से लो फ्लेम पे ही, आइए बहुत अच्छे से दानेदार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम गैस फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, ऐसे थोड़ी सी ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसे सेट करेंगे। मैंने यह ठंडा कर लिया 1 से 2 मिनट तक, इसे अब हम सेट करते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं किया है हमने। मैं यह केक टिन ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई सी भी प्लेट ले सकते हैं, मैं इसी में जमाऊँगी। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ चारों ओर से, घी लगा लिया है। मैं यहाँ पे बटर पेपर ले रही हूँ, मैंने यहाँ बटर पेपर लगा दिया है। मैंने यहाँ कढ़ाई से निकाल कर केक टिन में डाल दिया है, अब इसे हम सेट करते हैं। हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ये धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी तो अपने आप ही सेट हो जाएगी। मैंने यहाँ हाथ के सहारे से अच्छे से सेट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसे हम अब 5 से 10 मिनट तक हम फ्रिज में रख देते हैं, ये जल्दी से सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ फ्रिज से निकाल लिया है, इसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। इसको हम पलट लेंगे थाली को, इसको ऐसे करके। निकल गया है, ये आप देख सकते हैं। इसे हम कट कर लेते हैं।
दानेदार हैं, तो देख के डरना नहीं है कि ये हमारी रेसिपी ख़राब हो गई है। ये रेसिपी ऐसे ही बनती है। काट लिया है, इसे अब निकाल लेते हैं। मैंने काट लिया है, इसे अब हम निकाल के दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल दानेदार है। इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर तैयार है कलाकंद। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। कभी आप सब बनाकर खाइए और अपने बच्चों को भी बनाकर खिलाइए। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही दानेदार है। ये आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।